यहाँ पे पानी के लिए मैं मिलूं, अच्छा खाना आपको साफ सुथरा मिलेगा। फिर से शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। एक्चुअली ये इस प्रोग्राम की जो प्लानिंग है वो तो हमने काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दिया था। अंडर CSR एक्ट हमारे जम्मू रीजन में 4 स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए, जैसे कि एक बरजानी का है, तेली बस्ती, बस्सी एंड बीरपुर में। और उन 4 स्कूलों, सरकारी स्कूलों में हमने प्लानिंग किया था कि क्या क्या एक्टिविटी है जहाँ वो लैक कर रहे हैं स्कूल। जैसे इसी स्कूल के बारे में बोलें तो हमारे यहाँ यूरिनल्स, टॉयलेट्स का बहुत बुरा हाल था, एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड पानी की कमी बहुत थी, स्टोरेज का कुछ नहीं था। उसी के बेसिस पे हमने 4 स्कूल में काम शुरू करवाया है, और आज इस स्कूल का काम समाप्त होने पे ये हमने इनको चार्ज हैंडओवर किया है। BD शर्मा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर सांबा से यहाँ खड़ा हूँ। तो आज डाबर इंडिया लिमिटेड ने जो हमारे 4 स्कूल अडॉप्ट किए थे मूलभूत सुविधाओं के लिए, इन्होंने आज हमारे मिडिल स्कूल बरजानी को हमें हैंडओवर किया है, और बच्चों की जो बेसिक प्रॉब्लम थी उनको देखते हुए इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। तो मैं अपने ज़िला की ओर से, प्रशासन की ओर से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारे 4 स्कूलों को अडॉप्ट किया, उनमें से एक स्कूल को आज ये हैंडओवर कर रहे हैं। और जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है ये शायद गवर्नमेंट सेक्टर से डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता, और इन्होंने एक बेहतरीन योगदान दे के, जैसे इनका है जीवंती वेलफेयर सोसाइटी, तो उसकी तरफ से जैसे ये मूलभूत चीज़ों को देखते हैं, सेहत के लिए प्रोडक्ट्स अपने चलाते हैं, तो इन्होंने हमारे बच्चों को भी उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे एक बेहतरीन सेहत के लिए, स्वच्छता के लिए प्रोग्राम उठाया। और जैसे हमारा फगवाड़ा चल रहा है, ये 15 सितंबर से 2 अगस्त तक स्वच्छता ही सेवा है, 2 अक्टूबर तक, तो उसी प्रोग्राम के मध्य में इन्होंने अपना ये जो स्वच्छता का ही एक किस्म का प्रोग्राम रखा, 4 टॉयलेट बच्चों को गर्ल्स के लिए दिए हैं, 4 टॉयलेट जो हैं बॉयज़ के लिए दिए हैं, हाथ धोने के लिए वाशरूम की फैसिलिटी दी है, वाटर टंकी दी है, किचन शेड को इन्होंने मेंटेन किया है, पूरे स्कूल को सजा के रख दिया है, पौधे लगाए हैं, वृक्षारोपण किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो भी हमारा सहयोग दे रही हैं, और यहाँ खासकर जो बच्चे हैं वो सारे लेबर क्लास के आते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ें जो मिल जाएं, तो इससे ये लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर को प्रेफर करेंगे, और यहाँ के बच्चे अच्छी सुविधाएं लेके अपने विद्या अध्ययन में अच्छी रुचि दिखाएंगे।